वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हो ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया, ये है भारत की पावर। तो सबसे पहले भी देख लेते हैं वीडियो में क्या है, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। तो प्रेसिडेंट खुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को साफ बलाए ताक रख के यूएई ने ये किया। कि हम जानते हैं कि ये दौरा है, ये यूक्रेन पर हमले के बाद उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान ने, खुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है अक्सर मामलात में, के क्योंकि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ़ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ गवर्नमेंट होता है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है उसका प्रोटोकॉल, उसका प्रोटोकॉल में ही और शी टेक्स प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंट खुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को साफ बलाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। और जी हाँ, हम आइसोलेटेड तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जहन को परेशान करती हैं। पहले तो ये हमें समझा दीजिएगा कि उनका ये दौरा मौजूदा सूरत हाल में कितनी अहमियत रखता है, खासतौर पर तब जब एक तरफ G7 ने 3 रोज़ा इजलास में रूस पर मजीद पाबंदियों का ऐलान किया है, उसके खिलाफ जो अपना इकट्ठ है उसको मजीद मजबूत बनाने की बात की, और फिर नेटो के इजलास में भी अहम फैसले होने जा रहे हैं। पाकिस्तानियों का एक वतीरा बन गया है कि हम अपने आप को हमेशा यही कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, हम बहुत गंदे हैं और हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं। पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पीटीआई की हुकूमत ने कश्मीर को भेज दिया है, कोई हमारी पजीराई कहीं भी नहीं है, हमें ना फ़ोन कॉल आता है किसी से, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये नैरेटिव तो हम उस वक्त की जो अपोजिशन थी उनसे सुनते थे, और तो ये थोड़ा सा इसमें मामले में रहे। और फिर ब्रिक्स के मुतालिक भी उन्होंने कुछ बातें कहीं जो कि ठीक है, वो एक लिहाज से ठीक बातें उन्हें करती हैं। बस गुजारिश इतनी ही है कि हमें ये एक पैदा करना चाहिए अपने में ये सलाहियत कि हम जब अपोजिशन में भी होते हैं तो हमें इतना, हमारा कल्ब इतना वसी होना चाहिए कि हम हुकूमत की अच्छी बातों को उसकी तहसीन कर सकें। ये होता नहीं है हमारे सिस्टम में। जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हर चीज़ हमें बुरी लगती है, और फिर देखिए ना, आप हुकूमत में आए हैं तो वही चीज़ें जो पहले कह रहे थे कि हम आइसोलेट हो गया, वही जो पीटीआई के ज़माने में जो चीज़ें हुई उन्हीं का सहारा लेकर कह रहे हैं कि हम आइसोलेटेड नहीं हैं। और फिर दूसरी बात ये भी करता चलूँ कि मल्टीलेटरल, बार बार यही कहता हूँ कि हमारा सारा एम्फेसिस मल्टीलेटरलिज्म पे है और फोकस हमें बायलैटरल रिलेशंस पे करना चाहिए। अगर आज हम बायलैटरल रिलेशंस पे फोकस करते तो शायद हमारे वज़ीर आज़म जब अबू धाबी गए 15 मई को, तो उनको भी वहाँ के सदर एयरपोर्ट पर आके रिसीव करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये बातें एक आम शहरी को तो बॉदर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हुकूमत के पास इनार अबानी खर साहब ने कहा कि हम सही डायरेक्शन पे हैं, लेट्स होप कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन, और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है, और मेरी हुकूमत को शुरू दिन से यही मैंने दरख्वास्त की कि एक तो आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर थोड़ा फोकस कीजिए और साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी, ये दो एरियाज ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान हमारा कभी सही मानों में फोकस तरीके से हम आगे नहीं चले। तो अगर हम इस दो चीज़ों पे आगे चलेंगे तो ख़ुद ब खुद आप देखेंगे कि हमारे जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उसमें सब्सटेंस पैदा होगा और फिर दुनिया हमारी कदर भी करेगी। जिस वक्त ऑयल महंगा होना शुरू हुआ उस वक्त आप लोगों ने रशिया से बात करने का सोचा और बात भी की। अच्छा, उससे पहले अगर दीगर पड़ोसी ममालिक की अगर बात की जाए तो भारत की एक वाज़े मिसाल है कि वो काफ़ी अरसे पहले से ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। ऐसे एंड वक्त के ऊपर मौजूदा हुकूमत के जो अरकान हैं वो ये फरमाते हैं कि 3,40,00,000 का जो तेल है वो इंपोर्ट करता था भारत। आपने एंड वक्त पर यह फैसला क्यों किया? क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जब आपको पता चला कि महंगा होने वाला है तेल, उसकी वजह से
ये फैसला किया जब हुकूमत में आए थे, उस वक्त ये फैसला क्यों नहीं किया था? मैं वाजे कर दूं आपको कि ये बात हुकूमती अरकान की जानिब से की जा रही है। वो तो जो फजूल बातें करेंगे कि उनको ये भी नहीं पता कि रशिया से इंडिया कितना बरामद करता था यूक्रेन वॉर से पहले, 2% करता था अपनी जरूरत का, अब जाके वो 10-12% से आया, तो उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता। और बात यह है कि ये बोले कि भाई एक ऑप्शन एक्सप्लोर तो कर रहे थे, मेहनत तो करना शुरू की थी, और जब ये चीजें हुई, रशिया से ताल्लुकात कोई हमारे बहुत अच्छे थे क्या? ये पिछली हुकूमत $250 मिलियन उनके 10 साल से क्लेम था, वो नहीं अदा किया था, वो पहले हमने अदा किया, उसके बाद हमने नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन उनके साथ मुआहदा किया, और जब स्टेट लेवल का विजिट होगा, दो वजीर आजम मिलेंगे, दो सदर मिलेंगे, तो कोई बात होगी ना, तो उसका पहला विजिट ही अभी मटीरियलाइज हुआ। तो ये तो बेचारे बस इनके तो जो इस वक्त मुंह में आता है पके जाते हैं। तो आप 3 महीने हो गए, अब पहला एक लेटर लिखा है रिफाइनरी, वो भी रिफाइनरी को लिखा है, और कोई अगर सीरियसनेस होती इनके इनके बस की बात ही नहीं है ये काम करना। ये तो डरते हैं जहाँ से ये मतलब असल तो ये डरते हैं जहाँ इनके सारे लोग बैठे हुए बड़े वहाँ से। मुजम्मिल साहब, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं भारत की और दीगर पड़ोसी मुल्क, चाइना भी रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है और गुज़िश्ता साल जो है वो 84,20,000 टन तेल उसने बरामद किया है, तो वो भी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए रशिया को सहारा बना रहा है। तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल जब पेश आई, जब तेल महंगा होना शुरू हुआ, उससे पहले इस बात के ऊपर गौर क्यों नहीं किया गया था? इस हवाले से सवाल उठ रहे हैं। मेरे भाई, पाकिस्तान का मसला गैस का था, गैस के मसले पे गौर हो रहा था, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन साइन हुई थी, उस मसले को हम लेके चले थे, तो ये बात इधर तक पहुंची ना। पहले आप एक चीज पे बात करेंगे, फिर अगली पे करेंगे, फिर तीसरी पे करेंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होते है उसकी शादी क्यों नहीं कराई, रिश्ता क्यों नहीं कराया आपने? अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जैसे ऑयल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं और 234 रुपये फी लीटर में पेट्रोल महंगा हुआ है और फी लीटर मिल रहा है, अगर इस वक्त आपकी हुकूमत होती इस मामले को कैसे टैकल करती? और अगर आपसे ये कहा जाए कि मौजूदा हुकूमत को आप कोई मशवरा दें, तो सबसे पहला मशवरा आपका क्या होगा कि गरीब आवाम का किसी तरह भला हो जाए? देखें, इस वक्त हम हैं नहीं तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जब जिस वक्त आपने हमारी स्ट्रैटेजी देख ली, बिल्कुल, तो हम होते तो बहरहाल हम ऐसा नहीं करते। अब जब हम आएंगे तो फिर आप देख लीजिएगा हम क्या करेंगे। अच्छा, अब आने वाले दिनों में जो मौजूदा सूरत हाल है, मरहलावार 50 रुपए लेवी बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि महंगाई अब से ज्यादा होगी, मजीद कई गुना ज्यादा होगी? जब एक चीज 50 रुपए लीटर से महंगी हो रही है, तो आप क्या समझ रहे सस्ती हो जाएगा जमाना? यहाँ पे तो अभी आज एक दिन छह घंटे बाकी पेट्रोल पंपों में बाहर जाके रश तो देखे, इससे अंदाजा लगा लें कि लोगों को महंगाई का खौफ कैसा हो चुका है इस मुल्क में। अभी 24 घंटे और 36 घंटे बाकी हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने। और मुजम्मिल असलम साहब, ये जो सुपर टैक्स लगाया है, इसके अंदर हुकूमत जो है वो जवाब पैदा करती है कि हमने गरीबों को बचाकर अमीरों को टैक्स नेट में लाए हैं और 50,000 रुपये तनख्वाह से जिसकी कम है उसको हमने रिलीफ दिया है और 50,000 से जिसकी ज़्यादा है 2.5% वो टैक्स देगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप सुपर टैक्स को, और कारोबारी तबके के ऊपर इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टैक्स ना देने वाले लोगों ने जो है ना टैक्स लगाया है, इनको पता ही नहीं है कि पैदावार पे टैक्स क्या होता है और अमीर पे टैक्स क्या होता है। ये इन्होंने पैदावार पे टैक्स लगा दिया, अगर इनको अमीर पे टैक्स लगाना चाहिए था ना, तो उस कंपनी के मालिकान को जब मुनाफा ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे लगाते हैं। अब इतना हाई टैक्स लगा दिया ना, सरमायाकारी होगी, और अगर वो जो हाई टैक्स है वो मसनूआत की कीमतों में ट्रांसफर हो जाएगा। ये देख ले, वही रोना नहीं है, इंडिया कल इंडिया मैं पाकिस्तान अपना ही रोने को रोकता रहता हूँ, उस पर बात करो। नहीं, मैं वो बात नहीं करूँगा, वो तो हमारी बात है। भाई इस्तकबाल देखे मोदी साहब का, इस्तकबाल देखे आपकी आंखें खुल जाए। यकूब भाई, जो मैं आप इस तरह देखे, आप मानते नहीं यूएई के जो यार पता नहीं, मुझे तो ये आप दोनों की ये नहीं समझ आ रही। मुझे 3 साल हो चुके हैं ये देखते, आप एक अभी 3 माह हुए, 3 महीने आप दोनों को हुए हैं, मुझे 3 साल हो चुके हैं ये बातें सुनते और देखते, मानते फिर भी नहीं। मैं क्यों नहीं, आज अगर मेरी एक वीडियो दिखा दे जिसमें मैं ये मैंने अपने जलते जला हुआ दिखाया हुआ अपने आप को, नहीं, जो हकीकत है वो मैं मानता हूँ, जो उसका प्रोटोकॉल है, जो उसको मिल रहा है दुनिया में, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, मैंने पहले दिन से मान रहा हूँ। तू तो बता रहा था हमारे खान साहब को, नहीं वो बात ना करो, मैंने वो बात की जो मेरे खान की इज्जत अल्लाह ने दी हुई है वो अपनी जगह पे है,
जो मोदी की जगह है ना वो प्राइम दुनिया में वो अपनी जगह इस्तकबाल नहीं हुआ, वो इंडिया के वजीर आजम का इस्तकबाल हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चपरासी का हुआ है यार, शख्सियत का इतना बड़ा असर नहीं होता जितना मुल्क का होता भाई। मुल्क वजीर आजम कोई भी हो उसका वो ऐसे ऐसे इस्तकबाल करेंगे। और गुलजार ने अपने मुल्क को इस तरह का बनाया तो मुल्क का इस्तकबाल हो रहा है ना। आप ये बात आप भी तो कोशिश करें, आपका भी इस तरह हो सकता है। आप ऐसे बात करते हैं कि शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी नहीं, इमरान खान की पर्सनैलिटी बड़ी है उसका इस्तकबाल ऐसे करते हैं। मेरा भाई मैं मुल्क की आवाम की मुल्क की बात कर रहा हूँ, आपके मुल्क को आज कर मुझे बताओ किसी किसी बराबरी पे हो भाई। हर वीडियो में ये किसी बराबरी पे हो, दुनिया की किसी बराबरी पे का बहुत असर होता है। मैं कहता हूँ जिस तरह अगर ये रहे ना मेरा भाई, आप श्रीलंका से भी नीचे जाएंगे। और मेरी बात आप नहीं, फिर तेरी कंट्री कहाँ जाएगी। मैं ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही। आप बात करते हैं कि आप इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी आउट क्लास है, उसको इस्तकबाल करते हैं, और शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी नहीं, वह चोर है, उसका इस्तकबाल नहीं करते। मैं कह ये नहीं बात, जो इंडिया का है उसकी इज्जत क्यों है, आप ये जवाब। अच्छा फिर यहाँ पे तू आ जा, ये मोदी से पहले मनमोहन सिंह था, उसके इतना वो भी तो इंडियन का प्राइम मिनिस्टर था 10 साल हुकूमत की, मोदी की तरह उसका क्यों नहीं इस्तकबाल दुनिया में होगा, मुझे ये बता दे फर्क भाई। उस वक्त इंडिया नीचे, नहीं मुझे बता दे फर्क भाई। मैं बताता हूँ क्या फर्क है, इंडिया उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था। अच्छा इस वक्त पूरे वर्ल्ड की नजरें इंडिया पर। अच्छा एक मिनट, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, हर मुल्क जवाब गुलजार चाहता है कि हम इंडिया में अपना। अच्छा एक मिनट, गुलजार जवाब मिल गया। मैं भी तो यही कहता हूँ, उस वक्त तू कहता है ये मुकाम इंडिया का नहीं था, ये बोल रहे ना जो मोदी ने बनाया हुआ है, तो मैं भी तो ये कहता हूँ पाकिस्तान का मुकाम वो नहीं होगा जो दुनिया में इतना इमेज हो। अब हर वीडियो में कहते हैं कब होगा तुम्हारा इमेज आपकी कंट्री का, कब होगा और किस तरह होगा मुझे बता दो फिर। कब तक दूसरी दुनिया के आप इस्तकबाल को देखते रहोगे, अपना कब बनाओगे भाई, आपने मेहनत करनी है। हम भी तो मैं भी तो यही रुस्तार और गुलजार भाई कहते हैं हमें भी बनाना चाहिए इस तरह। तो भाई हम अप्रिशिएट तो कर सकते हैं कि नहीं, तो वो कर रहे हैं, वो तो खुले दिल से कर रहे हैं, जल नहीं रहे हम खुले दिल से कर रहे हैं रुस्तार। मैं यकीन मान मैं जलता नहीं हूँ मोदी के इस तरह की बातों से, कभी भी नहीं मैं जला, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को बनाया है भाई। अच्छा जो काम करता है उसको अप्रिशिएट, बिल्कुल नहीं बिलाओ। आप बता रहे थे वीडियो दौरान में कि इमरान खान का भी इस्तकबाल किया था खुद, मैंने कभी देखा इमरान खान। मैंने ये बोला है मोदी की मैं बात नहीं कर रहा, मोदी की मैं उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपने कहा था इमरान खान, मैंने बोला है प्रिंस लेने गए थे, लेकिन वो जो एंकर है वो तो बता रहे थे की यार मैं तुझे यार वो बात नहीं, मौजू पे जा मैं तुझे वीडियो दिखाऊंगा तब तू मानेगा। मैं कह रहा हूँ जितनी देर इमरान खान ने हुकूमत की उसका भी बहुत अच्छे लेवल पे इस्तकबाल हुआ, जिस पता नहीं मैंने कभी नहीं देखा। अमेरिका से लेके सऊदी अरब जिधर भी जाके देख ले वो बात रहता है, तो वो ये नहीं बात जब अमेरिका के दौरे पे गए थे उससे लेके मैं कहता हूँ मैं तुझे वीडियो दिखाऊंगा तब पता चलेगा। ये आप मोदी की वीडियो सिर्फ मोदी की बात करें, इंडिया की बात करें आप मेरा भाई। इमरान खान साहब का अमेरिका में गया थे अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठने बातें कर भाई हुआ था। मैं से पूछ रहा हूँ कैसा इस्तकबाल हुआ था इमरान खान साहब का अमेरिका में। खुद वीडियो में देख रहे जब वो अमेरिका गए थे, मैं ऐसे नहीं आप मानेंगे, आप वीडियो में देख लेना ट्रंप किस तरह उसको बाहर लेने आए थे। आए थे कम जहाँ कमरे में होता है वजीर आजम जहाज से रिसीव करना, जहाज से उतारना, ये होता है। अच्छा 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 आगे बात ठीक हो गई। उसी दिनों में मोदी भी अमेरिका गए थे, मुझे दिखा दो अगर ट्रंप उसको लेने गया है तो मैं दुनिया की हर शर्त तो आपकी मानूंगा। ट्रंप अगर मोदी को लेने गए एयरपोर्ट पे, इमरान खान को लेने नहीं गए तो मुझे जो दंड लो मैं बोलूंगा। बता दो दोनों वीडियो देख रहे हैं। मैं यही कहता हूं मोदी पहले गया था इमरान खान बाद गया थे, मोदी ने जलसा भी किया था, मुझे दिखा दो मोदी को लेने गया एयरपोर्ट पे तो ट्रंप गया। यूए के कभी सदर ने गए इमरान खान को लेने? मेरा भाई आप पहले बात क्या कर रहे थे, एक कंट्री की बात कर रहे थे, भी कंट्री का एक इमेज होता है, कंट्री का भी मुकाम होता है, कर रहे थे ना गुजार बात। हमारी कंट्री आप उस वक्त भी अभी तक नहीं है उस इमेज पे, उनका तो ये बात करो ना। ये तो ना, मैं कितनी बार कह चुका हमारी कंट्री कब इस इमेज को पाएगी, कब पहुंचोगे वहां तक, पहुंचना नहीं चाहते। नहीं तुम तो वीडियो में कह रहे दौरान जब चल रही थी तुम कह रहे थे जब इमरान खान यूए में गया था तो उसके प्रेसिडेंट जो प्रिंस थे वो लेने आए थे। मोहम्मद बिन सलमान की वीडियो उठा के देख लो, वो मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इमरान खान को लेने मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पे गए थे, आप वीडियो उठा के देख लो बच्चे देखते हुए। मोहम्मद बिन सलमान खुद रिसीव करने गए थे। आपने नया मोबाइल खरीदा बहुत महंगा खरीदा मेरा भाई, आप उसके ऊपर देख लेना इस्तकबाल इमरान खान का अमेरिकी कंट्री का दौरे का। असल में बात सिर्फ करो इतनी,
मोदी की बात है, मोदी के ऊपर वीडियो, मोदी साहब की बात करो। बात ये है मुख्तसर, ज्यादा इतना खप डालने आप कह रहे हैं, आप दोनों का कह रहे का मतलब है कि मोदी को आप डालने की जरूरत नहीं है। बात मुख्तसर ये है, जो मेहनत करता है उसको सिला भी मिलता है उसका, उन्होंने मेहनत की है उनको शुक्र है, शुक्र है, आपको समझ आई। और मैं कह रहा हूँ आप कब मेहनत करोगे, हम आपके मुकाम कब बढ़ेगा, किस तरह बढ़ेगा, आपको दिल नहीं करता हमारी भी कोई कंट्री इज्जत करे, हम भी नहीं दिल करता, हम भी इस कोशिश में है कि हम भी आप मेहनत करें और अपना मकान करना छोड़ दे, मेहनत करना शुरू हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक वीडियो इजाजत अल्लाह।